नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं हिमाचल लाइव। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त शिमला से है, जहां पर लक्कड़ बाजार में आग लगी है और साथ ही यहां आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त शिमला से, जहां पर लक्कड़ बाजार में भीषण आग लगी है और साथ ही आधा दर्जन दुकानें इस आग के चलते जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आग लगने के कारण लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है और साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शिमला से ये बड़ी खबर, लक्कड़ बाजार में आग लगी है, आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और आग किन वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और हालांकि आपको बता दें कि आग लगने के कारण आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया और इसके बाद में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा, हमारे संवाददाता शिमला से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या कुछ वजह जो है वो निकलकर सामने आ रही है लक्कड़ बाजार में आग लगने के पीछे? का भी के कारणों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा रात को करीब लगभग 1 बजे के आसपास से बताया जा रहा कि आग लगी है और अचानक आग लगी है। तो फिलहाल शॉर्ट सर्किट इसके कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। लेकिन फौरी तौर पे जो फायर ब्रिगेड और पुलिस के लोग है वो ये कह रहे हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन अभी अन्वेषण और जांच के बाद ये पता चल पाएगा। लेकिन इस अब बड़ी बात यह है कि आग लगी और लगभग 6 दुकानें जलकर राख हो गई और जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और गनीमत यह रही कि क्योंकि काफी आबादी वाला इलाका है और काफी सारी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान इस तरह से हैं, तो सबसे बड़ी बात यह रही कि मौके पर जल्द टाइम से समय से ये फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और सब लोगों ने मिलकर पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाने का काम किया, वरना आग बाकी दूसरे घरों की तरफ भी बढ़ सकती थी क्योंकि साथ में ही रिहायशी इलाके भी हैं। तो गनीमत यही है कि रिहायशी इलाकों तक आग नहीं गई है और दुकानों में जाहिर सी बात है रात को लोग नहीं थे, तो ये बहुत बड़ा बचाव हो गया है। शिमला में आग लगने की घटनाएं सर्दियों में लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार होती भी है और लगातार बढ़ती भी जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये जरूर देखना होगा कि इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि रात को 6 दुकानें आग लगने से जलकर राख हुई है। बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो आधा दर्जन दुकानें जो है, करीब 6 दुकानें जो है वो जलकर राख हो गई है। साथ ही आग किन कारणों से लगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट जो है इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। और साथ ही गनीमत ये रही कि रात के समय में आग लगी तो उस वक्त दुकानें बंद करके जो है लोग जा चुके थे, तो ऐसे में जान का नुकसान नहीं है। हालांकि मान का नुकसान जो है जरूर हुआ है, लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और समय पर यहां पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इसके अलावा अगर दमकल की गाड़ियों को आने में देरी होती तो यह आग और बढ़ सकती थी और साथ ही पास में ही रिहायशी इलाकों तक यह आग फैल सकती थी, लेकिन समय रहते इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि लाखों के नुकसान का अनुमान भी इसके बाद अब लगाया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर जंजैहली से है, जहां पर एसडीएम ऑफिस को लेकर शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है। ये बड़ी खबर जंजैहली से और साथ ही प्रदर्शनकारियों की क्रमिक भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज है। प्रदर्शनकारी बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। एसडीएम ऑफिस की मांग पूरी होने तक ये उनका क्रमिक अनशन इसी तरह से जारी रहेगा, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जंजैहली से, जहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी बीडीओ ऑफिस के बाहर धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। एसडीएम ऑफिस की मांग पूरी ना होने तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जंजैहली में एसडीएम ऑफिस की मांग लगातार की जा रही है और इसी को लेकर अब क्रमिक अनशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है और ज्यादा जानकारी लेंगे ललित कुमार, हमारे संवाददाता जंजैहली से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, लगातार प्रदर्शन जारी है, क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है, क्या ज्यादा जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए जी, जिस तरह से संघर्ष समिति के लोग लगातार जंजैहली में कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अब थोड़ी सी चेंजिंग की है। आज के बाद वे क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। उनका कहना है कि जब तक एसडीएम जंजैहली बहाल नहीं किया जाता, तब तक लगातार जो
अनशन करते रहेंगे। जी ललित, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं लगातार ये विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, सरकार की ओर से इस मामले में अब क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, इसमें सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। यहाँ जो पहले आईपीएच मंत्री थे महेंद्र सिंह ठाकुर जी, वो भी आए थे और इन लोगों से बातचीत की थी और बातचीत करके इस समस्या को हल निकालने का प्रयास किया था। और इसी के साथ सीएम के साथ भी इन संघर्ष समिति के सदस्यों की बैठक हुई थी और इन्होंने भी उस बात को लेकर मंथन किया था, लेकिन ये मंथन नहीं हो सका और ये समस्या यूं ही बरकरार बनी हुई है। जी, साथ ही क्या कुछ कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की ओर से कि कब तक वो इसी तरह से यहाँ बैठे रहेंगे प्रदर्शन के ऊपर? देखिए, जिस तरह से संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक एसडीएम जंजैहली बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम यूं ही अनशन पर बैठे रहेंगे और लगातार अनशन करते रहेंगे। जी, साथ ही आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या प्रदर्शन के तरीके में जो है बदलाव किया जाएगा या इसी तरह से यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे? जहां तक परिवर्तन की बात रही, इसमें जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जी, उनका कहना है कि फिलहाल अभी 4-5 दिन तक यूं ही क्रमिक अनशन चलता रहेगा, हो सकता है कि बाद में इसमें बदलाव करें। उनका कहना था कि बाद में इसमें अमरण अनशन भी किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जंजैहली में एसडीएम ऑफिस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये बवाल जो है वो लगातार जारी है और साथ ही क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है, भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है और साथ ही यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक एसडीएम ऑफिस को लेकर एसडीएम ऑफिस बहाल नहीं किया जाता है जंजैहली में, तब तक उनका ये इसी तरह से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान उन्होंने हिमाचल के लिए सेना में अलग रेजिमेंट बनाने की मांग भी की है। उन्होंने कांगड़ा स्थित गगल एयरपोर्ट को सामरिक दृष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया। सोमवार को दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम ने बताया कि सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए 500 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। हवाई अड्डे के विस्तार से इसका इस्तेमाल लड़ाकू और भारी विमानों को उतारकर रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की लागत रक्षा मंत्रालय वहन करे, लेकिन वहां से नागरिक उड़ाने संचालित करने की अनुमति भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित सेना भर्तियों में हिमाचल का कोटा बढ़ाने की भी मांग उठाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 1200 से अधिक जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान उन्होंने हिमाचल के लिए सेना में अलग रेजिमेंट की मांग की है। इसके साथ ही गगल एयरपोर्ट का सामरिक विस्तार करने की मांग भी उन्होंने की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सेना भर्तियों में हिमाचल का कोटा बढ़ाने की मांग भी इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी गई। तो हिमाचल के लिए सेना में एक अलग से रेजिमेंट बने, ये मांग जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने उठाई है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि सेना में हिमाचल के लिए कोटा जो है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा भी उन्होंने गगल एयरपोर्ट का सामरिक दृष्टि से विकास करने का प्रस्ताव भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश के 1200 जवान जो हैं वो अपना बलिदान दे चुके हैं मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और इसीलिए अब कोटे में वृद्धि की मांग भी उनकी ओर से उठाई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रकाश पीयूष फोनलाइन पर हैं। प्रकाश, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए कोटे में वृद्धि की मांग की गई है। बिल्कुल, कई और सारे भी मुद्दों पर चर्चा की है जयराम ठाकुर ने और कहा था रक्षा मंत्री से, ये भी रिक्वेस्ट किया है कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री भी अगर लगाने का कोई स्कोप होता है तो उसको उत्तराखंड में लगाया जाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो है सेना में काफी दिनों से दिलचस्पी लेते रहे हैं और कई बटालियन में जो है वो लोग काम करते रहे हैं। तो एक कच्ची कॉल के तहत मुलाकात थी और कोटा भी बढ़ाने की बात कही है जयराम ठाकुर ने और रिक्वेस्ट किया है निर्मला सीतारमण से कि जो देश में कई राज्यों के जो कोटे होते हैं सेना में उसकी जो बढ़ोतरी हो
की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड के लिए, ताकि वहाँ के बच्चों का भविष्य जो है उसको संवारा जा सके। जी बहुत शुक्रिया प्रकाश पीयूष तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और आने वाले चार दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 21 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 22 फरवरी को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ही मौसम खराब रहेगा। 23 से 24 को मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। तो हिमाचल में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। हिमाचल में फिर से तेज हवाएं, बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेंगी और साथ ही मौसम विभाग ने पहले ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को चेतावनी दी है। 20 और 21 फरवरी को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान इसके बाद 23 और 24 फरवरी को तेज बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखी जा सकती है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और साथ ही मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जो है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जारी कर दिया है। एक बार फिर से मौसम में बदलाव के आसार हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज हिमाचल प्रदेश में बदलने वाला है। और ज्यादा जानकारी लेंगे उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से मौसम जो है वो करवट बदलने वाला है हिमाचल प्रदेश में। पंतिका, मौसम विभाग ने ये आशंका जताई है कि 21 और 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर दोबारा मौसम बदलेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि अभी आज की बात करें तो शिमला और हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में अच्छी खासी धूप खिली है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 22 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो आशंका जताई जा रही है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी और प्रदेश का तापमान एक बार फिर दोबारा गिरेगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि किसान बागवान लंबे अरसे से जो सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए कुछ सौगात होगी अगर ये बारिश और बर्फबारी होती है। फिलहाल आज की बात की जाए तो आज प्रदेश भर में लगभग सभी इलाकों में धूप खिली हुई और मौसम बिल्कुल साफ और सुहावना है, लेकिन मौसम विभाग जरूर ये कह रहा है कि 21 तारीख को 22 तारीख को फरवरी में मौसम बिगड़ेगा और बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बारिश की संभावना है मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी जा रही है। साथ ही मौसम जो है वो बदलने वाला है और बर्फबारी बारिश जो है वो भी देखने को मिलेगी। हालांकि किसानों को इससे राहत मिलने वाली है। खबर सोलन से है जहां पर ऐतिहासिक ठोडो मैदान में सोमवार को 3 दिवसीय इंस्पायर विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और साथ ही सोलन पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। शिक्षा मंत्री ने सोलन के ठोडो मैदान में एकत्र हुए नन्हे वैज्ञानिकों की ओर से बनाए गए मॉडल्स को निहारा और उनकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो लगातार हिमाचल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में लगे हैं और सोलन, शिमला, सिरमौर में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको लेकर भी गहन चिंतन किया जा रहा है और जहां सुधार की गुंजाइश होगी वो भी की जाएगी। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने रणनीति बनाई। लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जनता, आपको बता दें कि जनता के बीच जाने से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों को चार्ज करने का प्रयास भी किया गया और उन्हें मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। इस बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के करीबन 50 पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने विचार भी सांसद वीरेंद्र कश्यप के समक्ष रखे। इस मौके पर शिमला संसदीय क्षेत्र के संगठन मंत्री पुरुषोत्तम गुलेरिया भी शामिल हुए। पिछले 3-3.5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और दिल्ली से जिस तरह का पैसा जो है हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रदेश के लिए दिया था उसको
उन्होंने लगाने का जो है प्रयास नहीं किया, यहाँ के 70 लाख लोगों को जो उसका लाभ नहीं पहुँचाया। आज मुझे खुशी है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार बनी है वो सभी योजनाओं को लेकर जो है वो पैसा जो आ रहा है उसको हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लगे। जैसे अभी हमारे 69 नेशनल हाईवेज हैं, वीरभद्र की सरकार ने पिछले 1.5 साल हमारा ख़राब कर दिया और उन 1.5 सालों में जो है एक भी DPR नहीं बनी, अब DPR भी बन रही है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी योजना हमने लाई है उड़ान के दृष्टि से, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिले और यहाँ की इकोनॉमी में भी, प्रदेश की इकोनॉमी में भी उसका लाभ। उधर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों की ओर से CU पर पूछे गए सवाल पर कहा कि केंद्र के मंत्री CU का शिलान्यास करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन पूर्व प्रदेश सरकार की ओर से औपचारिकताएं ही पूरी नहीं की गई थी। शांता कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार को शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण करने को कहा गया है, जिससे शीघ्र CU का शिलान्यास हो और साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो सके। शांता कुमार ने कहा कि वो पिछले काफी समय से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, लेकिन सोमवार को पहली बार मंत्रियों और विधायकों ने इस बैठक में उपस्थिति दर्ज करवाई है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में प्रदेश बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसे हैं। बीजेपी सरकार को RSS के लोग चला रहे हैं। इस मुद्दे पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि RSS सत्ता चलाएगी तो प्रदेश का भगवान ही रखवाला होगा। साथ ही वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले इंसान हैं। तो वहीं जंजैहली मामले पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के ही लोग मुख्यमंत्री को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं। आपने शालू शर्मा का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों पेसा पालो टीम की कप्तान शालू शर्मा ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने पेसा पालो की टीम और उन्हें नजरअंदाज करने की बात कही थी। शालू का कहना था कि जैसे क्रिकेट और दूसरे खेलों को सरकार अहमियत देती है, वैसे ही पेसा पालो खेल को भी और इसके खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान शालू ने ये बातें कही, तो वहीं अब हम आपको भारत और हिमाचल को सम्मान दिलाने वाली शालू शर्मा का घर दिखाते हैं। ये घर शालू शर्मा का है जो काफी जर्जर हो चुका है, घर कई स्थानों से टूटा हुआ है। तो वहीं जब हमने शालू के पिता का हाल जाना तो वो होटल में बर्तन साफ करते नजर आए। आज भले ही पेसा पालो की टीम देश को एशिया कप में गोल्ड मेडल और विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन कर चुकी हो, लेकिन पेसा पालो टीम के आज भी इस टीम को सरकार से सम्मान की राह देखनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि पेसा पालो टीम की कप्तान शालू शर्मा का वीडियो बीते दिनों खूब वायरल हुआ और साथ ही इस वीडियो को आपने देखा, लेकिन उसके बाद जब खबरें अभी तक की टीम शालू शर्मा के घर पहुंची तो वहां जाकर देखा गया कि शालू शर्मा का घर जर्जर हालत में है और साथ ही उनके पिता भी यहां पर एक होटल में बर्तन साफ करते हुए नजर आए। हालांकि साथ ही पेसा पालो टीम की कप्तान शालू शर्मा का यह भी साथ में कहना था कि जिस तरह से प्रदेश सरकार क्रिकेट हो या दूसरे खेल हो उनके खिलाड़ियों को सम्मान देती है, उस खेलों का सम्मान करती है, वैसे ही पेसा पालो खेल का भी सम्मान होना चाहिए और साथ ही इस खेल के खिलाड़ियों को भी उसी तरह से सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि खबरें अभी तक ने शालू शर्मा की इस आवाज को प्रमुखता से उठाया और साथ ही जिसके बाद में खेल मंत्री की ओर से आश्वासन भी मिला और उन्होंने कहा है कि शालू शर्मा के तमाम रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा और जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें दिया जाएगा। और हिमाचल विशेष में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।